मेरे बेटे कभी मिलती थी बोलती थी बाबा मैं बेटी नहीं हूँ बेटा हूँ। रो मती उसकी फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। हम अभी शाबाद डेयरी जे कॉलोनी रोहिणी में खड़े हैं, जहां यहां 2 दिन पहले एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी, उसको 20-22 बार छुरा मार के। ये देखने में तो आपको एक नॉर्मल गली ही लगेगी, लेकिन यहाँ 2 दिन पहले एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी। जिस दीवार पे ये हत्या हुई थी वहाँ पे एक एक्स मार्क कर दिया गया है और ऐसा बोला गया है कि इस दीवार को धोया भी गया है। बहुत सारे लोग रास्ते में थे, इस गली में थे जब ये हादसा हुआ, लेकिन किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। मेरी मौत हो जाती है, मेरे बेटे को ही बचाया नहीं, बगल से गुजर रहे, मतलब लड़की को कोई नहीं बचा रहा, ये चीज़ गलत है ना। वो लड़की यहीं पे खड़ी थी, उसे इतनी बुरी तरीके से मारो। आजकल ना कोई किसी के उसमें मैटर में हाथ नहीं देता, वो सोचते थे शूटिंग चल रही है यहाँ पे, देखो बस और कुछ नहीं। इसलिए नहीं कोशिश की किसी ने कि चक्कू हमें ना लग जाए, ये पुलिस हमें ना लपेटे में ले ले, इसलिए नहीं कोशिश की। अगर चाहते तो सबसे पहले उसका चक्कू छीन देते ना, और एक जन उसको पकड़ता तो वो बच जाती वो लड़की, अगर उसको कोई बचाने की कोशिश करता तो बच जाती। एक डर का भी माहौल है डेयरी में कि नशेबाज ज़्यादा लोग हैं, आज उसको बताते बचाते हैं तो कल उनके घर पर जाते हैं। यहाँ पर बच्चे नशे लगाते हैं, आप जो इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो किसी की जेबें काटते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को लूटते हैं। मेरे से बोल रही थी पापा मैं 10वीं पास हो गई हूँ, तो मैं बोला बेटा क्या बनना चाहती हो, तो बोली पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। मेरी बेटी कभी मिलती थी बोलती थी पापा मैं बेटी नहीं हूँ बेटा हूँ। रो मती वो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने आती जाती रहती थी, वो ट्यूशन से हमारे घर का खर्च चलाती थी, हम भी मजदूरी करते थे, कहती थी पापा ठीक है पढ़ लिख गरीबी दूर करेंगे आप पढ़ाओ। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं जी ऐसा। सर हमारी बेटी चली गई, हमें क्या करेंगे पैसा लेकर के 10 लाख रुपए लेकर क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें जल्द जल्द फांसी उसकी होनी चाहिए। मैम मेरे को वही रात को पता चला 8:30 बजे का, 8:30 बजे 8:30 बजे के बीच में एक उसकी सहेली थी भावना नाम की, वही आकर बताई शाम को, बोली कि आंटी जो है वो साक्षी को मार डाला, फांसी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसे आप किसी ऐसे साक्षी के साथ ऐसा नहीं, उसकी फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। हम लोग जब गए हैं हम लोग देख नहीं पाए, पूरा इतना हालत खराब कर दिया था कि कोई देख नहीं सकता। जितना बेरहमी से मारा है कि तो हम लोग के हवाले कर दें और कि तो उसको फांसी की सजा दिलाएं।